प्रैक्टिस शीट नंबर 11 का अठवां क्वेश्चन करो। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करो जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 8 है। सम चतुर्भुज की शक्ल कितना होती है? इतना इनकी भुजा कितनी है? कहते 5। सम चतुर्भुज का मतलब है इंडिया सारिया साइड्स आपस च की होंगे बराबर। तो इस तरह जे ए 5 है तो ए भी की हो गया 5। हुन उन्होंने क्या एक विकर्ण मतलब डायगनल किन्ना दिता है? 8। तो डायगनल किनू कहने आप? अंदर वाले आमने सामने पॉइंट्स नु जोड़न वाली लाइन। आमने सामने पॉइंट नु जेड़ी लाइन जोड़दी है इनू इंग्लिश च डायगनल, पंजाबी च विकर्ण। किन्ने सेंटीमीटर दिता है? 8। हुन कहता आप एरिया पता करना है खेत्र, ठीक है जी। आहा केड़ी आकृति अंदर बन गई जो बिच लाइन मारी तो केड़ी आकृति बन गई? ट्रायंगल त्रिभुज बन गई। किन्ने बने? दो। एक आवला ते एक आवला, ठीक है। हुन आहा इस ट्रायंगल चाहे ले लो चाहे उधर ले लो, केड़ी केड़ी भुजाव इस ट्रायंगल दिया? इस ट्रायंगल दिया तीन भुजाव होंगे ना, तो पहली भुजा का माप की है? 5। दूजी का? 5। तीजी का? 5। है ना। हुन आपा 12th चैप्टर हीरो दा सूत्र कीता हेरोंस फार्मूला की कर देने हैं ए प्लस बी ते सी। आपा उन्दे नाल क्षेत्रफल एक त्रिभुज दा कढ लांगे, जेड़ा जवाब आ वो ओनू दोना गुना करके दोवां दा आजूगा ते ओही इहदा जवाब समझ लग गई। हुन आपा कीता होया ना, बस जे आपा नूं शकल एदां दी बन जांदा आपा नूं समझ लग जूगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਐਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 5 ਦੇ 5 ਦਾ 12 5 ਦੇ 5 ਦਾ 10 10 ਤੇ 8 18 9। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਆ ਗਿਆ। 9 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਬਾਅਦ 9 ਆ ਗਏ। 9 चो 5 घटाए 4, फिर 9 चो 20 घटाया 5, फिर 9 चो 1। हुन जी 4 दा जोड़ा बनदा वे? हां जी। ता 1 4 बार कर लिया? हां जी। 1 दा कोई फर्क नहीं पड़ना। हुन रह गया 9 दा वर्ग। 9 दा वर्गमूल पता किन्ना हुंदा? 3 गुणा 3 3 गुणा 3 यानी कि 3 दा जोड़ा बन गया। तीन बार कटिया 4 तीए 12। इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 12। आप दो त्रिभुजा का सेम कटना सी की करांगे? 12 गुना 2 24। जवाब कड़ा गया 24। समलंब चतुर्भुज इंग्लिश समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपीजियम किदा दी शक्ल हुंदी है? एदा दी शक्ल वाली हुंदी। इस शक्ल नूं पंजाबी च समलंब चतुर्भुज इंग्लिश कहने हैं ट्रेपीजियम। हुण देखो इंडिया आ दो साइड एक दूजे दे समांतर है, पैरेलल है, हैगी है रोहित, क्योंकि दोवें इको सीज जा रही है ना। आ दोवें समांतर है? नहीं, क्योंकि दोवें अलग अलग दिशा च जा रही है ना। जो रोहित दो लाइना इको दिशा च जान तो उन्होंने समांतर कहने हैं, जे ना जान तो उन्होंने असमांतर। हुण आ दोवें समांतर है पर आ दोवें समांतर नहीं। हुण उन्होंने की किया? समलंब चतुर्भुज दिया समांतर भुजावां किन्ने सेंटीमीटर? 40। हुण ए समांतर आ दोवें है, पहले जो 40 केड़ी होगी 20 केड़ी? इन्दे तो कोई सोचने की गल ही नहीं। अते इस दिया गैर समांतर भुजावां दोवें बराबर हैं, जैसे हरेक 26 सेंटीमीटर है। हुण गैर समांतर केड़ियां होई हैं? समलंब चतुर्भुज खेत्रफल पता करना। हुण इहदा खेत्रफल दा फार्मूला की होंदा मैं तुहानू दस देनी है, 1/2 गुणा आधा
नहीं बेटा राज दा ब्रैकेट च समांतर भुजावां दा जोड़ समांतर भुजावां दा जोड़ गुना ऊंचाई ए फॉर्मूला होंदा है एस दा खेत्र हुण इहदे च एक बटे दो समांतर भुजावां केड़ियां है चाली तेरी उनका जोड़ा लिखा है ऊंचाई ऊंचाई नहीं लिखना नहीं ऊंचाई हमेशा लंब लाइन कल भी आप सवाल किया ना ऊंचाई हमेशा सीधी लाइन लंब लाइन है ये सीधी है नहीं ना तो इतने आप सीधी इथो मारती जो आप सीधी मारी है ना लंबाई लैनी हूं एस की लंबाई तो अपने को है नहीं ना तो आप कड़ा गे कि आ जी टेढ़ी लाइन एक तो मैं एवं टेढ़ी मार सकती हूं तो जिनी आ छब्बी ओनी आ भी छब्बी होगी क्योंकि सेम ओनी है देवी ओनी है ना हूं आह चाली है ना तो चाली चो आह चालिया चो इना हिस्सा भी घटा दो कि बचा तो यानी कि आ हिस्सा भी हो गया समझ लगी जे मैं कहनी है आ मान लो देखो मैं कहनी है आ लाइन मैं मारी है इथो तक आ पूरी लाइन साठ है ते उन्होंने कहा इना हिस्सा चाली है फिर आ जरा हिस्सा बच गया कि रह गया बी क्योंकि इथो तक उन्होंने चाली किया पूरी उन्होंने साठ गया बी टेढ़ी करके कंफ्यूजन हो रही है कि आप पूरी चाली है चाली चो इना हिस्सा उन्होंने क्या बी है जो बचा हिस्सा कि हो गया है ना हूं ये त्रिकोण की बनता पे आखिरी थी त्रिकोण 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 की इतने तीनों भुजाव देतिया तो हीरो के सूत्र का खेत्रफल कटा गे जिम्मे आप हमने कटिया उस तो बाद आप फिर दूजा फॉर्मूला ला के उचाई कटा जवाब दूंगा बवंजा च भी जोड़े हरमन कि होगा बहत्तर ठीक है बहत्तर का अंत किया गुड़िया कुड़िया जो दसो कि होगा छत्ती ठीक है बहत्तर का अंत छत्ती हूं फॉर्मूला लाइए एस माइनस ए माइनस बी एस माइनस सी इथे छत्ती आ गया छत्तिया चो ए छब्बी घटाए कि फिर छत्तिया चो छब्बी घटाए फिर छत्तिया चो बी घटाए बी छत्तिया चो बी घटाए हूं इना मेरे गुप्त छत्ती पता है वर्गमूल वेरी गुड छे गुना छे दस का पांच गुना दो एक पांच गुना दो सोलह अठ गुना दो अठ गुना दो या चार गुना चार कर देने फिर सीधा जोड़ा बन जाऊगा ठीक है हूं छे का एक जोड़ा बन गया छे बार दो का एक जोड़ा बन गया दो बार पांच का जोड़ा बने पांच बार चार बार हूं दसो कि बनिया साठ चौके पिछे जीरो लाती छे चौके दो सौ चाली या पांच नाल गुना करया करो सौखा है ना पांच दूनी दस चार छीकी चौबी चौबी ने मगर जीरो लाती दो सौ चाली हूं ये दो सौ चाली इंदा आ गया आप ऊंचाई कटनी है हूं त्रिभुज का एक खेत्रफल होर हुंदा है एक बटे दो गुना आधार गुना ला लगे है एक बटे दो गुना आधार गुना ते ए एक फॉर्मूला आया है जबकि आप त्रिभुज का खेत्रफल तो कट लिया किन्ना है दो सौ चाली आर किन्ना है इसका आधार थले फर्श वाली जगह पूजा होगी लंब आपा कढ़ना है ते बराबर दो सौ चाली हूं दो दे बड़े दे भी कटिया दस दूजे पास कितने जाऊंगा लंब आ गया अपना दो सौ चाली बटे दस जीरो ना जीरो कटे कि आ गया लंब चौबी आ गया
24 ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਭਰਾਂਗੇ ਉਚਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁਣ 24 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ 12 40 ਤੇ 20 ਜੋੜੇ 60 60 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ अपना आयतकार कमरा फर्श है माप यानी कि 3 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबाई 5 मीटर 40 सेंटीमीटर चौड़ाई जे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 300 ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਵਰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਕਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਵਰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਲਸ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਆਪਸ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਚੌਰਸ 30 ਬਜਾਰੋ ਟਾਈਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਜਾਰੋ ਉਹ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਬਾਏ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਟਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਬਾਏ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਾਂ 360 ਦੇ 540 ਦਾ HCF ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਕਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਮਾਵਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 360 ਦੇ 540 ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਮਾਵਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ 540 ਦਾ ਦੋ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ 270 ਦੋ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ 2 × 2 130 135 ਫਿਰ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਮਨ ਭਾੜਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ HCF ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ 2 ਆ 2 ਹੈ ਨੀ ਹੁਣ ਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਆ ਵੀ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ 5 ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 2 × 2 4 5 20 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 9 ਨਾਲ 20 ਨਾਲ ਆਇਆ 180 ਯਾਨੀ ਕਿ HCF ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 180 ਹੁਣ 180 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 180 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 360 ਗੁਣਾ 540 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ 180 ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਆ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੇ 80 ਗੁਣਾ 180 ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਲ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਲ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ
कि किसे क्यूबाइड नू इन्ने क्यूब च टकिया जाना किन्ना किन्ने क्यूब चाहिए ये वो ता ऊपर वड्डी चीज दा खेतरफल थल्ले छोटी चीज दा खेतरफल इन्ने च ऊपर फर्श दा खेतरफल थल्ले टाइल दा खेतरफल जिन्ना टकिया जाना ते जिहड़ा 180 कढ़िया वो आपा की कढ़ी है साइड टाइल ता हुण टाइल दा खेतरफल पूजा गुना पूजा आ जीरो ना कटी गई ते आ जीरो इन दे नाल 18 × 18 = 12 मतलब मान लो एक खेत है उन्दे च पानी लाना ते किन्ने पानी दी लोड़ है 160 मीटर दी घात तीन दा मतलब 163 वार ते जिसका खेतरफल हुण उस खेत दा खेतरफल किन्ना 800 मीटर सिंचाई तो बाद खेत विच पानी दे पद्धर दी उचाई किन्नी हो जांदी है इन्दे एक फॉर्मूला हुंदा है की फॉर्मूला हुंदा है खेतरफल जेड़ा आपा खेत नू पानी लाना है उन्दी जमीन किन्नी है 800 खेतरफल उन्दी उचाई कढ़नी है ओ बराबर हुंदा है किन्ना पानी आपा उत्ते लाना फॉर्मूला उल्ट करके आपा जिन्ना खेत ते पानी लाना ना ता खेत दा खेतरफल गुना खेत दी उचाई पानी दे बाद किन्नी हो जुगी ओह बराबर किन्ना पानी लगे हुण 800 थल्ले जाऊगा 160/800 0 0 तो गया 16 × 5 1/5 आ गया 1/5 की आया मीटर आया ना ता इत्थे 1/5 मीटर कोई हैगा नहीं हुण 1 दे अंदर आके 5 नु भाग करे की लावांगे इत्थे 0 पॉइंट ने दे 0.2 मीटर हैगा कोई इत्थे हां जी पहली ऑप्शन ओ सेंटीमीटर अच्छा जवाब नहीं ना 1/5 मीटर है आपा ओनु सेंटीमीटर कन्वर्ट करने लिए किन्ना गुना किता 100 क्योंकि 1 मीटर च किन्ने सेंटीमीटर हुंदे है 100 ता पॉइंट उड़ा के थल्ले दस 100 ना गुना किता 0 2 गुना करके किन्ना लिया 20 सेंटीमीटर जवाब आ गया ऑप्शन नंबर 2 समझ में